अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ मिस महशार सलीम फ्रॉम एलाइड स्कूल फीमेल कैंपस। सो स्टूडेंट्स, वी आर डिस्कसिंग अबाउट टेंसेस। हम टेंसेस को डिस्कस कर रहे हैं, टेंसेस पढ़ रहे हैं। प्रेजेंट टेंस कंप्लीट कर लिया था, बल्कि कल के लेक्चर में हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंसेस के भी नेगेटिव और अफॉर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस को डिटेल में डिस्कस किया था। आज हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस करने हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस मीन्स के सवालिया फिकरात को इंग्लिश में और पास इंडेफिनेट टेंस में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। तो पास इंडेफिनेट के इंट्रोगेटिव उर्दू में पहचान तो वही है, फिकरात के आखिर में अलिफ, ये, छोटी, ये, बड़ी, या था, थी, थे, या ता, था, ती, थी, थे, थे वगैरह आएगा, ये आता है। तो इनमें से कोई भी आ जाए, और प्लस मैंने पिछले लेक्चर में आपको इसके यूजेस भी बताए थे, जब वो यूजेस आ जाएंगे तो आप गेस कर सकते हो ये पास इंडेफिनेट टेंस है। आज हमने करना है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस मीन के सवालिया फिकरात, ऐसे फिकरात जिसमें कोई सवाल पूछा जाता है। तो इसका जो स्ट्रक्चर है, इसको हमने क्या करना है, नेगेटिव में डिड नॉट यूज किया था, तो यहाँ पे डिड जो है स्टार्ट में आ जाएगा सेंटेंस के, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट डिड अगर आ गया है तो उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे, और लास्ट पे ऑब्जेक्ट और एंड पे इंट्रोगेटिव मार्क आ जाएगा, जिसको क्वेश्चन मार्क कहते हैं। पिछली एग्जाम्पल को ही मैं आगे लेके जा रही हूँ ताकि आप अच्छे तरीके से समझ लें। क्या तुमने सवाल हल किए, क्या तुमने सवाल हल किए, अब ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव है, तो इसके लास्ट पे कौन सा साइन आएगा, क्वेश्चन मार्क, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मार्क आ जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या को क्या करेंगे, डिड आ जाएगा, डिड तुमने यू हल किए, वर्ब क्या है सॉल्व, आगे ऑब्जेक्ट क्या है क्वेश्चन, डिड यू सॉल्व द क्वेश्चन, एंड पे क्या आएगा मार्क आ जाएगा आपका इंट्रोगेटिव मार्क। तो इसका मैंने आपको एक लेक्चर में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में बताया था, इसकी डबल काइंड्स भी होते हैं कि डबल इंट्रोगेटिव जिसको कहते हैं, क्या तुमने सवाल हल किए, एक तो ये सिंपल हो गया। सेकंड काइंड में अगर पूछ लिया जाए क्या तुमने सवाल क्यों हल किए, ठीक है, तो यहाँ पे आप कैसे गेस करोगे, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ क्यों से, यहाँ पे आपने क्या से किया है, तो यहाँ पे क्यों से, यानी कि अगर आपको कोई क्वेश्चन है और आप इसका आंसर विद रीजन दोगे, यहाँ पे रीजन पूछा गया है, तो भी ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसका भी सेम वही मेथड है, सबसे पहले आपने क्यों को ट्रांसलेट करना है, क्यों मतलब वाई, ठीक है, वाई आ जाएगा इसके शुरू में, सेम यही मेथड है, बस इस डिड से पहले आपने डब्ल्यू एच वाले वर्ड लगा देने हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा वाई, वाई डिड यू सॉल्व द क्वेश्चन, और इस पे मार्क आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो ये इंट्रोगेटिव है, अगर आपको इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव आ जाए तो फिर आपने कैसे सॉल्व करना है। हाँ जी, तो इंट्रोगेटिव के बाद अगर नेगेटिव इंट्रोगेटिव आ जाए, यानी कि सवालिया भी है और मनफी फिकरात भी, साथ नफी भी की गई है, तो डिड लगाएंगे, डिड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हम नोट लगाएंगे, फिर वही फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट। जैसे कि क्या तुमने सवाल हल नहीं किए हैं, तो इसको आपने ट्रांसलेट नेगेटिव में भी करना है, इंट्रोगेटिव में भी करना है। नेगेटिव में अगर सिंपल होता तुमने सवाल हल नहीं किया, तो हम करेंगे यू डिड नॉट सॉल्व द क्वेश्चन। अब ये नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव है, तो हम सबसे पहले क्या को ट्रांसलेट करेंगे, क्या मतलब डिड यू नॉट सॉल्व द क्वेश्चन, ना लास्ट पे क्या आएगा मार्क आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। एक और एग्जाम्पल मैंने लिखी, क्या तुमने क्रिकेट नहीं खेली, डिड यू नॉट प्ले क्रिकेट, ठीक है। तो आज हमारा ये पास्ट इंडेफिनेट टेंस कंप्लीट हो गया है, आई होप यू गॉट इट। अब इसके इससे रेलिवेंट जितनी भी एक्सरसाइजेज आपकी बुक में है पास्ट इंडेफिनेट टेंस की, वो आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है, अनसॉल्व एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप उनसे कॉन्टेक्ट करके इसके बारे में फर्दर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तब तक के लिए हाफिज़।